नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम सिर्फ GNT पे। हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से ध्यान के साथ, उसके बाद ओम का उच्चारण। अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर आप जुड़ें। जब हम ध्यान करते हैं साथ साथ तो हमारी वाइब्रेशंस, हमारी घर की वाइब्रेशंस और हमारी धरती की वाइब्रेशंस सभी राइज होती हैं। तो चलिए साथ साथ शुरुआत। रीढ़ की हड्डी सीधी, ठुड्डी छाती की ओर, हाथ चिन मुद्रा में। लंबा गहरा सांस लें, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। आपका सब फोकस ले आए आपके जो बिंदु है आईब्राउज के बीच में, और आप ये कोशिश करिए कि जितनी भी एनर्जी है जो आपके शरीर के दूर जा चुकी है उसको आप धीरे से वापस खींचें अपनी ओर। हम अपनी एनर्जी को यहाँ पे पास ला रहे हैं, थोड़ा सा हम कंप्रेस कर रहे हैं कि हम अपनी खुद की एनर्जी को खुद के पास रखें। हमारी ज़िंदगी में हम हमारी एनर्जी जो है बाहर खींचती रहती है, लोग खींचते हैं, सिचुएशंस खींचती हैं, परंतु ये हमारा मकसद है कि हम धीरे धीरे उस एनर्जी को वापस ले आएं अपने पास। पूरा अवेयरनेस, पूरा ध्यान वो बिंदु आईब्राउ सेंटर में, इसको हम अजना चक्र भी बोलते हैं, और हम तीन बार लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब हाथ को जोड़िए, शांति शांति शांति। हाथ को मलिए और अपने पाम्स आपकी आंखों में रखिए। आपके पाम्स आपके माथे के साइड पे, पांचों उंगलियां सिर पे। योग के अभ्यास में पांच मेन मूवमेंट्स होती हैं, आगे झुकना, पीछे झुकना, इन्वर्ट होना, विपरीत होना, और साइड में ट्विस्ट होना, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो जब हम पांचों ये मूवमेंट्स करते हैं, सामने पीछे विपरीत लेफ्ट राइट, तो हमारी पूरी बॉडी बैलेंस होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान ये पांचों मूवमेंट्स करें। तो हमारे जितने भी योग के आसन हैं, हमारे ऋषि और गुरुओं ने ऐसे बनाए थे कि वो हमको पांच दिशा में हमारे शरीर को ले जाएं। आज के एपिसोड में हम ट्विस्ट्स की बात करेंगे, साइड में अपने शरीर को मोड़ना। ये ज़रूरी होता है क्योंकि हम अपने डेली मूवमेंट में इतना ट्विस्ट नहीं करते हैं। हमारे रोज़मर्रा में हम आगे झुकते हैं, पीछे झुक जाते हैं, परंतु साइड के ट्विस्ट्स और विपरीत होना, ये हम दोनों मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे आपको कौन कौन से ट्विस्टिंग आसनास करने चाहिए, इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं,
और मैं आपको काफ़ी आसन बताऊंगी इजी से लेके थोड़े से एडवांस तक। तो आप जो भी लेवल हैं योग में, आप ये ट्विस्ट कर सकते हैं और आप ये कोशिश करें कि दिन में आप थोड़ा सा ट्विस्टिंग ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि ट्विस्ट ही आपके लिवर और आपके पैंक्रियास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। हम लोगों को लगता है कि हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सब यहाँ होते हैं, परंतु नहीं, हमारे लिवर किडनीज बॉडी के साइड में होते हैं। लिवर किडनी पैंक्रियास इस यहाँ पे होते हैं। तो साइड ट्विस्ट्स हम जब करते हैं तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको एक बहुत सुंदर का मसाज मिलता है। एक एनर्जेटिक लेवल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन होती है, नाड़ी होती है, जो हमारे पूरे बॉडी के साइड से चलती है। तो इस मेरिडियन, इस नाड़ी को भी एनर्जाइज करना ज़रूरी होता है ट्विस्ट से। तो ट्विस्ट्स हर एक आदमी को रोज 2 से लेकर 5 मिनट तक करना ही चाहिए। और आप सोचें कि आपने आज कितनी ट्विस्टिंग करी होगी। काफ़ी सारे लोगों का आंसर यही है कि आज हमने बिल्कुल ट्विस्टिंग की नहीं। तो अगर आपने ट्विस्टिंग की नहीं, एक तो आपकी स्पाइन की मोबिलिटी कम होती है, जो स्पाइन की नेचुरल एबिलिटी होती है साइड में मोड़ना, अगर हम साइड में नहीं मोड़ेंगे अपने शरीर को तो वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, साइड ट्विस्ट आपके लिवर किडनी पैंक्रियास के लिए एक दवाई टाइप की होती है, इतना लाभदायक है ये, है ना। तो इसलिए साइड ट्विस्ट करना आपके ऑर्गन्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, आपके सर्कुलेशन, आपके हार्मोनल बैलेंस और आपके स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। आप अगर छोटे बच्चों को देखेंगे तो कितनी उनकी स्पाइन लचीली होती है और कितने डायरेक्शंस में वो लोग मुड़ते हैं, क्योंकि वो मोड़ते रहते हैं अपने शरीर को, जब वो खेलते हैं, जब वो कूदते हैं, जब वो कुछ गेम्स खेलते हैं। परंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बिल्कुल ये कम कर देते हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी सिंपल से लेके थोड़े से मुश्किल तक। आप अगर अभ्यास करेंगे तो आप ज़रूर एडवांस कर पाएंगे। शुरुआत में आपको थोड़ी सी स्टिफनेस लगेगी, परंतु समय के साथ और अभ्यास के साथ आप ज़रूर प्रोग्रेस होंगे। एक और चीज़, ये आपके शोल्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है ट्विस्ट करना। ये आपके जो नेक, सर्वाइकल, शोल्डर, सब पूरे हिस्से के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी स्पाइन जो है टेलबोन से लेके पूरी ऊपर तक होती है। तो इवन सर्वाइकल स्पाइन जो होती है ट्विस्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। तो चलिए शुरुआत, शुरू में हम लोग एक बहुत सिंपल करेंगे ट्विस्ट। बस हाथ को ऊपर ले जाएं ऐसा, छाती को खोलिए, लंबी गहरी सांस लें और आप राइट साइड पूरा ट्विस्ट हो जाए। आप ये कोशिश करिए आपकी दोनों टांगे जो हैं ज़मीन पे हैं, दोनों घुटने ज़मीन पे हैं, और अच्छे से पूरा ट्विस्ट करिए साइड पे। लंबी गहरी सांस, आँख को बंद और यहाँ पे डीप ब्रीदिंग करनी है। जितना आप ज़्यादा ब्रीथ करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभदायक। ये एक बहुत सिंपल ट्विस्ट है। अगर आप ये कुर्सी पे कर रहे हैं, आप कुर्सी के पीछे भी पकड़ सकते हैं और ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं। आपके पीछे अगर दीवार है तो आप हाथ दीवार पे रख सकते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं। बैलेंस रखिए, यहाँ पे आप ज़्यादा साइड पे लोटें पोटे नहीं, अच्छे से अपने जम के बैठे रहें। आँख बंद और ठुड्डी को आप अपने बाजू तक ले जाएं, कोशिश करें पूरी रीढ़ की हड्डी, टेल बोन से लेकर सर्वाइकल स्पाइन तक पूरी यहाँ पे स्ट्रेच हो रही है। आराम से वापस आ जाएं और अब दूसरी ओर। आपको ये महसूस होगा कि एक साइड पे ज़्यादा ये आसान है, दूसरे साइड पे ज़्यादा मुश्किल है। नेचुरली एक साइड हमारे लिए ज़्यादा ईजी होता है, एक साइड ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जहाँ हमको डिफ़िकल्ट लग रहा है वो ज़रूरी है कि उसी साइड को आप थोड़ा सा ज़्यादा करें, उसमें ज़्यादा आप समय बिताएं। बॉडी को ऐसे ही बैलेंस मिलता है, ट्विस्ट करते रहें। यह आपकी पाचन शक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ को ये बढ़ाएगा। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, वापस ले आए। और हम वही चीज़ करेंगे अपने हाथ को ऊपर ले जाके, हाथ को ऊपर ले आए, ऐसे इंटरलॉक करें, पूरे शरीर को ऊपर खींचें, लंबी गहरी सांस
राइट साइड ट्विस्ट। यहाँ पे बॉडी खिंच भी रही है और ट्विस्ट भी हो रही है, दोनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। लंबी गहरी सांस, जितना आप ज़्यादा होल्ड करें, ट्विस्ट करें, उतना ज़्यादा अच्छा। वापस शरीर को ऊपर खींचें और ट्विस्ट। लंबा गहरा सांस, इनहेल और एक्सहेल। और वापस इसको एक और बार, इनहेलिंग और एक्सहेल। पूरा ट्विस्ट करिए अच्छे से, हाथ को ऊपर खींच के। वापस हाथ को ऊपर खींच के दूसरी ओर, और वापस हाथ को नीचे ले जाएं और विश्राम। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। अब हम करेंगे मरीचि आसन का अभ्यास। मरीचि एक ऋषि थे जो मानस पुत्रा में एक थे। ये सूर्य भगवान के ग्रैंडफादर थे, और जो मनु भगवान थे जिन्हें मनु स्मृति लिखी थी, ये मनु भगवान के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। मरीचि आसन हमारे हिंदू पुराण के एक बहुत जाने माने ऋषि हैं, और ये आसन इनके नाम पे ही लाया गया है। तो चलिए आप अपने दोनों पैर को आगे ले जाएं, फिर सीधे पैर को छाती की ओर, छाती की ओर ले जाएं, और सीधा हाथ आप ऐसे ले जाएं यहाँ से पीछे से, और यहाँ आप ट्विस्ट करिए लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरी ट्विस्ट कर रहे हैं, और जो पैर जो है जो छाती में डाल रहे हैं, यहाँ हमको सपोर्ट मिल रहा है। ये कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आपके हाथ पीछे नहीं जाएं, परंतु आप कोशिश करिए। मरीचि आसन योग में चार हैं, ए बी सी डी। हम अभी मरीचि आसन सी कर रहे हैं। इसको आप लंबे समय के लिए होल्ड करें, जितने भी लंबे समय के लिए होल्ड उतना ही अच्छा। अगर आप थक जाएं और फिर आगे आ जाएं, और अब हम लेग को स्विच करेंगे। तो हर चीज़ योग में आराम से करते हैं हम लोग। हाथ को आगे ले जाएं, पीछे से पकड़ना है हथेलियाँ को, और एक बार जब आप यहाँ स्टेबल हो गए, फर्स्ट स्टेप इज यहाँ पे स्टेबल होना, फिर आप ट्विस्ट होएं। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। छाती को खोलें और बैलेंस बनाते रहें यहाँ पे। अगर आप से बैलेंस नहीं बन रहा है, आप अपना हाथ, जो सीधा वाला हाथ है, इसको आप नीचे भी ला सकते हैं। तो शुरुआत में आपको अगर ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। यहाँ पे लंबा गहरा ट्विस्ट और वापस, और आप दोनों पैर आप छाती के पास ले जाएं, अपने आप को हग करिए, ठुड्डी ऊपर नीचे साइड टू साइड। अब हम एक सीटेड आसन करेंगे। ये मेरा बहुत फेवरेट आसन है, अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण आसन है योग का, अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। इसके मैं आपको दो वेरिएशंस बताऊंगी जो आपके लिए इजी है, आप उसको करें। तो आप पहले वेरिएशन, आप वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैर आप लेफ्ट साइड ले जाएं, अपने लेफ्ट लेग को छाती की ओर, और अच्छे से यहाँ पे हग करें। हाथ को आप अच्छे से खोलें यहाँ पे, और फिर आप ट्विस्ट हो जाएं लेफ्ट साइड पे। आप अपना हाथ ऐसे ऊपर रख सकते हैं, और यहाँ पे पूरे स्पाइन की ट्विस्टिंग होती है, टेल बोन से लेकर सर्वाइकल स्पाइन तक। अपने पीछे के हाथ से आप बैलेंस बनाएं यहाँ पे, और अपने स्पाइन को आप ऊपर भी खींच रहे हैं यहाँ पे, और साइड पे भी ट्विस्ट। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने थाइस के बीच में से अपना हाथ ला सकते हैं और ट्विस्ट कर सकते हैं। आंख को बंद, सांस अंदर और बाहर,
ट्विस्ट की एक ये दूसरी बेनिफिट होती है कि आपकी पैरानेजल साइनस को ये खोलती है। तो अगर आपको कोई भी साइनस की बीमारी है तो ट्विस्ट से इनकी भी बहुत अच्छी बेनिफिट होती है। आपको एकदम से महसूस होगा कि आपकी ब्रीदिंग जो है वो ज़्यादा स्मूथ है, आपकी नेजल पैसेजेस खुल गई हैं। तो ये भी एक बहुत सुंदर आसन होता है हमारे साइनस कैविटीज़ के लिए। वापस आ जाएं और फिर हम आराम से खड़े होंगे अपने मैट पे। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन और परिवृत्त त्रिकोण आसन का अभ्यास। तो दोनों पैरों को आप साइड पे ले जाएं, राइट फुट को राइट एंगल में, और ये कोशिश करें कि अच्छा लंबा गैप दोनों पैरों के बीच में। हाथ को ऊपर, और यहाँ पे पहले थोड़ा सा हम लोग साइड टू साइड जाएंगे। बस हमारे अपने शरीर को इशारा दे रहे हैं कि हम ये आसन करने वाले हैं। तो साइड टू साइड, फिर यहाँ से मैक्सिमम आप पूरे साइड राइट साइड पर आ जाएं और हाथ को नीचे और ऊपर। ये एक जेंटल ट्विस्ट हो रहा है यहाँ पे, और आप ऊपर देख सकते हैं या आप अपने हाथ को ऊपर देखें तो हाथ को बिल्कुल सीधा। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता रहे इस त्रिकोण आसन में आप वो करिए। और अब अच्छे से यहाँ पे एक जेंटल ट्विस्ट है, अपने लेग्स को बिल्कुल आप अच्छे से टाइट कर लें। ये कोशिश करें कि 3 से लेकर 5 श्वास तक यहाँ पे होल्ड करें, फिर ऊपर आ जाएं। और यही आसन हम एक परिवृत्त तरीके में करेंगे, पहले डायनामिकली फिर हम इसको होल्ड करेंगे। तो पहले आ जाएं, हाथ को आप नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, बैलेंस बनाते रहें यहाँ पे। और फिर हाथ को ऊपर और दूसरे हाथ को, राइट हैंड को ऊपर ले जाएं। अगर कोशिश कर पाएं तो आप अपना लेफ्ट हैंड को फ्लैट रखें और राइट हैंड को ऊपर, परिवृत्त त्रिकोण आसन। अगर ये मुश्किल है तो आप अपने फिंगर टिप्स पे आ जाएं ऊपर, यहाँ पे स्टेबिलिटी बनाते रहें और ऊपर। जो भी आपके लिए इजी है आप इसको करें। आराम से ऊपर आए बैलेंस बनाते हुए, और अब दूसरे साइड पे। तो पहली बार हम डायनामिकली करेंगे, बॉडी को इशारा मिल जाए कि हम कुछ करने वाले हैं, और अब हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। दो ऑप्शंस फिंगर टिप्स पे या पाम्स को नीचे, जो भी आपके लिए आराम से आप कर पाए इसको यहाँ पे। ज़्यादा ओवर स्ट्रेच ना करें यहाँ पे, जो हो रहा है वो करें। लंबी गहरी सांस, और फिर आराम से आप ऊपर आ जाएं। और विश्राम। सांस अंदर और बाहर। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी, और ये मेरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया। आप ये ज़रूर कोशिश करें कि अपने रोज़मर्रा में थोड़े से ट्विस्ट इंक्लूड करें। बस 2 मिनट राइट साइड, 2 मिनट लेफ्ट साइड। आज हमने काफ़ी वेरिएशंस देखे, बहुत सिंपल, थोड़े से एडवांस्ड। आप देखिए कि इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है, आपके बॉडी से कनेक्शन हो रहा है, और धीरे धीरे आप इन आसनों में एडवांस होएं। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। नमस्ते।